रॉयल राइडर नुब्रा हंदर एक्चुअली यहाँ से बहुत कुछ पास है, यहाँ से मोनेस्ट्री पास है, यहाँ से तुम्हारा वो पास है, क्या कहते हैं पीछे की तरफ 90 किलोमीटर पड़ता है, टूटुक विलेज इज लास्ट विलेज, और उसके अलावा यहाँ से क्या पास है, सैंडियर्स। कुछ बोलना है? निकल चुके हैं, चलो फिर बैठो। और अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर डॉग्स को बहुत गंदी तरह ट्रीट किया जाता है, इतने अच्छे से सर्व नहीं किया जाता, बट फिर भी अगर आप यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ पेट एनिमल्स, आई मीन अगर आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स दिख रहे हैं, कोई दिख रहा है उसको, अगर आपके पास फूड है तो प्लीज़ खिलाओ। मिडल ऑफ डेजर्ट के रुके हुए हैं, मेन रास्ता कुछ उस तरफ से है, वहाँ से लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ हुआ है, जहाँ पे धुआं धुआं सा हो रहा है, मिट्टी मिट्टी। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये प्रॉपर ऑफ बीट लोकेशन है। सो गाइस, अगर आप यहाँ से ऐसे निकल रहे हो तो रोड पे थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी दिख सकेगी आपको, जहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है यहाँ के लोकल लोग काम कर रहे होते हैं। फाइनली हम कहीं पहुँचते हुए, ये रास्ते में आता है, यहाँ पे कई सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट हैं। पता है ये 2 साल पहले पेट्रोल पंप नहीं था, ये जस्ट अभी बना, लिखा भी है द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल, मतलब यहाँ पे ही वर्ल्ड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है। प्लस हमारे को सीता की तरफ जाना है रास्ते में पैंगोंग के लिए, हम कुछ खाने जा रहे हैं, वी आर वेरी हंग्री राइट नाउ। सो दिस इज़ द फूड फॉर द डे, इट्स लुक्स इनक्रेडिबली अमेजिंग, मतलब रास्ते में ऐसा खाना खाना वो नहीं होता, बट यहाँ के कभी कभी मन कर जाता है। यहाँ के नूडल्स बहुत टेस्टी हैं लोकल। हाउ आर यू डूइंग रमन ढिंगरा? उसमें शुगर नहीं है तो मैं टेस्टी नहीं लगने वाली हूँ। और ये हमारे ड्राइवर भैया घूमते हुए आते हुए, कहाँ गए थे आप भैया, कुछ खाया आपने? सो हम जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ, 10 रुपीज की पर्ची कटती है हमारी पर पर्सन, आपकी नहीं कटेगी, हम दोनों ही कटेगी। ओके, हम दोनों टूरिस्ट हैं, आपने शुक्रिया। कुछ ऐसे व्यूज मिलेंगे जहाँ पे आप रुक के शॉट्स ले सकते हो, एंड मैं तो बीचों बीच कहीं पे बैठ गई हूँ, वहाँ पे वो छोटी सी बहुत खूबसूरत सी बर्ड है जो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड होना थोड़ा सा टफ है, कुछ ये एग्जैक्टली ये, दिस लुक्स ग्रेट ना। तू ये पार करके जाएगी तो मैं तेरे को पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करूंगा। और ये राधी हो गई, अब ये जा रही है और घोड़े इसका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, बस अब वक्का मस्त। नहीं घोड़े यहाँ आएंगे, साक्षी तेरे पास, साक्षी तू गई है, साक्षी तू गई है। मैं आई हूँ मरमूर पॉइंट पे, एंड हेलो खा लेगा वो, इट्स क्यूट, इट्स सो क्यूट। मगज पॉइंट पर रुकने के बाद हम निकल गए अपने आगे के सफर को जो कि जा रहा है पैंगोंग लेक, और रास्ता बहुत ही खतरनाक होते हुए, पूरी गाड़ी शेक होते हुए और पूरा मोबाइल भी। गाइस ये जगह पूरी चेंज होते हुए, ये सारा आर्मी की जगह और वहाँ पे शिप्स, मतलब ये आर्मी की है, बोट्स एंड ऑल। फाइनली हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक में पहुँचते हुए, एंड आज आई एम सो एक्साइटेड। मैं अगर थोड़ी देर पहले होती तो मैंने वंडर विद स्काई की गाड़ी देखी, तो हम यहाँ से बॉर्डर के बहुत नियर बाय हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कूटर्स हैं जहाँ पे आप शूट कर सकते हो अपनी, क्योंकि वो 3 इडियट्स का शूट पैंगोंग लेक में ही कहीं हुआ था, नॉट एग्जैक्टली श्योर। सो गाइस चेक करो पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, उप्स मैं गिरते गिरते बची।
सो फाइनली पहुंचते हुए स्काई लेक कॉटेज और हमसे पहले पहुंच चुके हैं अनुपम। कैसा है? अरे 3 घंटे पहले आपसे पता है हम लोग आपकी वेट करा, फिर हमने बहुत सारी जगह ना शूट्स के लिए रुके, हम रुके थे जब सुबह। आप कहाँ से है? पेंगोंग के मेन रास्ते से? पता नहीं कौन से रास्ते से, क्योंकि ये हमारा सारा ऑफ बीट लेकर आए इन्होंने, हमें कम से कम 1 घंटा 15 मिनट वेट कराई है इन्होंने। इन शक्ल देखो ध्यान से, और ये रही हमारी प्रॉपर्टी आज की। दिस लुक्स एक्चुअली ब्यूटीफुल राइट, और ये बिल्कुल लेक के सामने है। यहाँ पे अब बन चुके हैं कॉटेज, और ये खाने की जगह देखो कितना अच्छा लग रहा है इसको देख के। मैं जहाँ जहाँ रुकी हूँ मैंने देखा है कि वहाँ वहाँ पर अब मतलब बफे का हिसाब किताब है। दिस लुक्स गुड राइट, तो हम टेंट देखते हैं फटाफट से। So guys, I'll show you my room now. Wow, this looks great, right? So this is my room. भैया रूम बहुत खूबसूरत है आपके, कॉफी पिलाओगे अच्छे से बना के? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोरे कुमार। गोरे कुमार, अरे वाह क्या नाम रखा है आपका। सो गोरे कुमार जी, 2 स्ट्रॉन्ग कॉफी विदाउट शुगर पिला दो अच्छी सी बना के। तो ये हमारा रूम, हम चप्पलें साफ करते हुए अच्छे बच्चों की तरह रूम में एंटर करते हैं। रूम में एक खिड़की जैसे आप बाहर झांक सकते हो, और उसके अलावा यहाँ कपड़े डालने की जगह है। ये कॉटेज बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। टॉयलेट मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। नाइस ना, हम आ गए शूटिंग करके और हम जा रहे हैं अब खाना खाने। ये सो वी हैविंग फूड, सूप, चावल, आई गेस दिस इज सब्जी। एंड तुम डालो खाना, तुम क्यों ऐसे देख रहे हो मुझको? हाँ दिस इज दाल, दाल ना, पनीर भी है, वी हैव पास्ता ऑल्सो। सो भैया आप मतलब रोज पास्ता बनाते हो? एक दिन नूडल्स। आज हम लकी हैं, पास्ता मिल रहा है, मुझे पास्ता पसंद है। हेलो भैया, और मीठे में आए गुलाब जामुन, साक्षी के फेवरेट। सो भैया ने मुझे हॉट वाटर बैग दिए, अब मैं रात को इसको पेट पे रख के सोऊंगी। और ये मेरे ड्रेस से भी मैच करते हैं, दमी नाइट ड्रेस है। और मैं आज कल लोग यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विद अ न्यू लोकेशन। और अगर पेंगोंग आप आ चुके हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड ये जगह कैसी लगी।